आज हम पढ़ेंगे काइट। इट इज यूनिट सेवेंथ ऑफ क्लास फर्स्ट इंग्लिश एन सी आर टी लर्न एंड एंजॉय दिस पोयम आई ऑफन सेट विश दैट आई कुड बी काइट इन द स्काई एंड राइड अपॉन द ब्रीज एंड गो विचेवर वे आई जस्ट टू ब्लो इसका मतलब क्या है आई ऑफन ऑफन मैंने क्या होता है अक्सर मैं अक्सर बैठता हूँ एंड विश विश कहते हैं ना आप कोई विश मांगो यानी कि इच्छा और इच्छा करता हूँ दैट कि आई कुड बी काइट अप इन द स्काई मैं एक काइट काइट मैंने पतंग होता कहाँ पे अप इन द स्काई स्काई में होता ठीक है आसमान में होता ऐसा नहीं कि मैं पतंग होता और मैं कहीं पे पड़ा रहता ऐसे नहीं में काइट होता और कहाँ होता स्काई में आसमान। राइड अपॉन राइड मैंने क्या होता सवारी करना तो किसके ऊपर सवारी करता द ब्रीज ब्रीज मैंने ठंडी हवा जो हवा होती है ना मंद उसे कहते हैं ब्रीज मैं हवा के ऊपर सवारी करता एंड गो और जाता विच एवर वी आई चांस टू ब्लो चांस मैंने मौका मुझे मौका मिलता है, जिसके ऊपर मुझे ब्लो मैंने बहने का मौका मिलता है उसके ऊपर मैं जाता ठीक है एंड गो विच एवर वे आई चांस टू ब्लो मुझे जो मौका मिलता जैसे मुझे बहने का ठीक है विच एवर वे जिस वे मैंने क्या होता है वे मैंने तो वैसे रास्ता होता बट यहाँ पे वे का मतलब होगा कि तो मुझे जितने चांस मिलते मुझे बहने के मैं उतने सारे वे सारे रास्तों पे बहता यानी कि मैं सारे चांस क्या करता है अप्लाई करता ये काइट नहीं कह रहा ये बच्चा कह रहा है काइट के भी आप अगर मैं होता क्या होता मैं काइट होता ठीक है ये सोच रहा है एक छोटा सा बच्चा देखो उसकी पिक्चर भी नहीं है और वो इमेजिन कर रहा है किसको काइट को तो इसमें न्यू वर्स आए हैं ब्लो मैंने बहना ब्रीज़ मैंने हल्की हल्की ठंडी हवा बोलते हैं ना मंद मंद बार और चांस मैंने मौका काइट मैंने पतंग सेट मैंने बैठना ठीक है तो इसको लेट्स रीड इस जोर से बोलना है आई कैन फ्लाई अ काइट आई लव टू सेट अंडर अ ट्री रीडिंग इज फन इसमें क्वेश्चन आंसर है वट चाइल्ड डू चाइल्ड क्या विश कर रहा था चाइल्ड डू दैट ही क्या होता है वो एक काइट होता है इसका आंसर यहीं से देख लीजिए कि दैट चाइल्ड विश दैट ही कुड बी अ काइट अप इन द स्काई नेक्स्ट है वट इज चाइल्ड विश टू डू विद द ब्रीज और हवा के साथ जो क्या विश करते हैं तो चाइल्ड विश दैट ही राइज अपॉन द ब्रीज वो ब्रीज के ऊपर क्या करता सवारी करता ठीक है तो ये क्वेश्चन आंसर हो गए अब लेट्स टॉक व्हाट कोच यू लाइक टू बी तुम्हें क्या पसंद है जैसे आई वुड लाइक टू अ बर्ड मुझे बर्ड बनना बहुत पसंद है ठीक है तो अब वो नीचे क्वेश्चन है इमेजिन यू आर अ बर्ड इन द स्काई आप इमेजिन करिए कि आप इमेजिन मैंने कल्पना करना ना सोचना कि आप स्काई मैंने आसमान में एक बर्ड हो डिस्क्राइब वट यू फील वट यू विल फील वैन यू सी काइट फ्लाइंग नियर यूर अब आप बर्ड हो आप आसमान में स्काई में जा रहे हो ठीक है फ्लाई कर रहे हो आप तो आपके बगल में कोई काइट आ गई तो आप क्या करोगे इमेजिन करो पकड़ने की कोशिश करोगे ना आप तो काइट पर अब जो करोगे वो आप बताइए सेल आउट से ज़ोर से बोल रहे ब्राइट काइट राइट साइड ये ना वर्ड्स हैं ठीक है राइमिंग वर्ड्स हैं ऐसे काट चांस डांस जैसे काट है तो फास्ट है पार्ट है ठीक है अब डू यू नो मोर वर्ड्स विद दिस साउंड आप ऐसे कोई और वर्ड्स जानते हो तो उसको आपने लिखना है जैसे काइट है तो हाइट लेट शेयर आप शेयर करो वट आर द डिफरेंट थिंग्स डेट फ्लाई इन द स्काई स्काई में क्या क्या चीज मतलब तो, कैसे है जो स्काई में फ्लाई करती है डिफरेंट थिंग्स कौन कौन सी चीज़ है तो आपने जो चीज़ें देखी आप सब लिखिए हेलीकॉप्टर है बर्ड्स हैं ठीक है, है आपने कभी कागज के टुकड़े भी उड़ते हुए देखा होगा जब विंड आती है ठीक है वो भी फ्लाई करता है जो आप सोच सकते हो जो आप लिख सकते हो आप राइटिंग पावर को क्या करिए बढ़ाइए इफ़ यू हैड विंग्स अगर आपके विंग्स होते हैं विंग्स में पंख होते हैं तो वेयर वुड यू फ्लाई आप कहाँ उड़ना पसंद करते जैसे आई वुड लाइक टू फ्लाई इन माई विलेज या आप अपने अगर ग्रैंडफादर के वहाँ जाना चाहते हैं तो आप ग्रैंडफादर के वहाँ भी लिख सकते हैं आप इसमें ट्रेस करना है जैसे यहाँ पे ये पैटर्न है जिससे मैं आपको बताती हूँ ये आ, क्या है रेनड्रॉप है आपको ऐसे ये पूरा क्या करना है कम्प्लीट करना है ऐसे करके आप अपने बुक में या इसको पिक्चर भी बना सकते अब ड्रॉप ऐसी हो रही होती है ना कहते हैं तिरछी बारिश हो रही है विंडो क्लोज कर दो देखो ये भी तिरछी हो रही है तो सीधी बारिश होगी तो उससे कोई ज़्यादा इधर उधर तो नहीं जाएंगी ड्रॉप्स पर जब ये रेन्स के ड्रॉप तिरछी होंगी तो घर के अंदर भी आ सकती है ना तो इसलिए ये रेन ड्रॉप है इसके साथ ही हम एक और चैप्टर भी कंप्लीट कर देते हैं इसमें छोटा सा है सुंदरी जो काइट से रिलेटेड है ठीक है रीड एंड एंजॉय दिस स्टोरी मैं आपको इसका हिंदी में मीनिंग बताती जाऊँगी और आप इसको ध्यान से देखिए सुंदरी अ बेग इट एंड ब्लू काइट सुंदरी जो क्या है एक बहुत ही बड़ी रेड लाल वाइट सफ़ेद एंड ब्लू नीली पतंग है ओके okay? नाम नहीं है किसी के काइट का नाम है सुंदरी वेन बॉबी मेड ही स्माइल एटिंग बॉबी एक लड़का है उसको बना रहा है देखो पिक्चर में भी दिख रहा है जब बॉबी उसे बना रहा था तो उसके ऊपर मतलब वो स्माइल करी मुस्कराई यू आर ब्यूटिफुल एंड आई कॉल यू आई विल कॉल यू सुंदरी ही सैड तो बॉबी ने कहा तुम खूबसूरत हो और मैं तुम्हें तुम्हें क्या कहूँगा सुंदरी कहूँगा ठीक है वन डे बॉबी चुक सुंदरी टू द फेयर एक दिन बॉबी जो है सुंदरी को कहाँ ले गया फेयर मैंने मेले में ले गया द बैंड वॉज प्लेइंग एंड एवरी वन वॉज स्माइलिंग का मेला अगर आप गए हो मेले में क्या होता है बहुत सारी दुकानें होती हैं ठीक है झूले <coughs> लगे होते हैं ऐसे बैंड मैंने वहाँ बैंड होता है ना बैंड मैंने सारे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जहाँ बजाए जाते हैं जैसे ड्रम अगर आप अपने गांव के मेले में गए तो हारमोनियम तबला बजता होगा या बाहर शहर में गए तो वहाँ पे क्या होता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है पियानो भी होता है ड्रम होता है तो ये सब बजते हैं ठीक है तो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट क्या होते हैं द तो बैंड वॉज प्लेइंग वो बज रहे थे बज रहे थे एंड एवरी वन ऑफ स्माइलिंग और सभी जो थे वो मुस्कुरा रहे थे ना खुश हो रहे थे अ मैरीगो राउंड ऑज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल ट्रून मैरीगो राउंड देखो झूला होता है यहाँ पे झूला एक झूला आपने अभी पिछले भी पढ़ा था तो गोल 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 घूमता है ऐसे ठीक है उसके उसमें क्या होते हैं लकड़ी के खूब सारे आ, अलग अलग शेप के कभी किसी में डक बना होता है या कभी हॉर्स बने होते हैं तो वो गोल गोल घूमता है तो वैसे मैरीगो राउंड जो होता है वो क्या बोल रहा था प्लेइंग हैप्पी लिटिल उसमें अच्छा सा एक गाना बज रहा था और उस गाने गाने में मेरी गोल राउंड में खुशी वाला हैप्पी हैप्पी मैंने खुश लिटिल ट्यून क्या होता बज रहा था इट वॉज़ कैरिंग लॉट्स ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स राउंड एंड राउंड ऑन इट्स वुडन एनिमल्स उसके में जो, उसमें जो वुडन एनिमल्स थे वो किसको गोल गोल घुमा रहा था किसे किसे ले जा रहा था लॉट्स ऑफ बॉयज़ बहुत से बच्चों लड़कों को लड़कियों को गोल गोल घुमा रहा था बॉबी लुक्ड फॉर अ ओपन स्पेस रन एंड फ्लाई हिस् काइट अब बॉबी तो एक खुला स्थान देख रहा था खुला ओपन स्पेस मैंने खुली जगह देख रहा था जहाँ वो किसको हिकुर रन जहाँ वो दौड़ सके ठीक है उसको अपनी काइट को क्या करना था उड़ाना था उस काइट को उड़ाने के लिए दौड़ सके जब काइट को आपने उड़ाया होगा तो देखो आपको भी थोड़ा सा स्पेस तो चाहिए होता है ना भागने के लिए थोड़ा सा तो वो ऐसे ओपन स्पेस क्या हो देख रहा था सुंदरी लुक जो सुंदरी भी देख रही थी उट इन बॉबी अब बाहर घास की तरफ बॉबी दौड़ा होल्डिंग काइट हाई उसने अपने पतंग को होल्ड में पकड़ा हुआ था जितना ऊंचा वो जा सकती है पफ द विंड केम अलोंग लॉन्ग क्या हुआ हवा आ गई काइट कोड़ने के लिए विंड चाहिए ना हवा सुंदर स्टार्ट अब सुंदरी ने उड़ना क्या क्या स्टार्ट कर दिया बट शी कु नॉट गो मेरी हाई लेकिन वो ज्यादा ऊपर जा नहीं रही थी अ लिटल डॉग वॉज होल्डिंग ऑन अ टेल ऑन ह लॉन्ग टेल एक छोटे कुत्ते ने उसकी देखो बहुत बड़ी पूँछ पकड़ ली थी यहाँ देखो पिक्चर में ये डॉग है ना अब इस डॉग ने इसकी क्या पकड़ लिया टेल को पकड़ लिया है लॉन्ग okay? टेल लंबी लंबी सी उसकी टेल है टेल मैंने क्या होता पूछ इट वॉज इन हिस्स माउथ जो थी वो डॉग के मुंह में थी तभी तो नहीं उड़ रही थी वो बॉबी शु बॉबी ने डॉग को शू किया और वो डॉग क्या चला गया We will try again, बावी बावी ने कहा हम दोबारा से कोशिश करेंगे ट्राई मैंने कोशिश करना अगेन मैंने दोबारा दिस टाइम सुंदरी अप इन एयर इस समय सुंदरी जो थी वो अप लीप मैंने क्या होता है उछलना मूव मूव क्विकली एंड सडनली सुंदरी जो होती उछल के हवा में ऊपर चली गई शी टक हार्ड उसने उसे झटके से खींचा जब पतंग उड़ती है अगर आपने उड़ाई तो उसको टक ऊपर से जब वो बिल्कुल कसा होगा ना तभी उड़ेगी तो झटके से खींचा ओ हाउ शी वॉन्टेड बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग अब वो ये चाह रही थी कि बॉबी स्ट्रिंग मैंने जो धागा है उसको छोड़ दे शी गेव अ बिग टक उसने उसे जोर से खींचा किसने सुंदरी ने बॉबी हाई टू लेटर गो बॉबी ने भी उसे जाने दिया वी क्राइट सुंदरी सुंदरी जो खुशी से चिल्लाई नाउ आई कैन फ्लाई एस हाई एस आई प्लीज सुंदरी ने कहा अब मैं उड़ सकती हूँ ऊंचा हाई मैन ऊंचा जितना मैं चाहती हूँ क्योंकि बॉबी ने उसे छोड़ दिया सुंदरी हवा में बिल्कुल उड़ने लगी ठीक इस है इसमें न्यू वर्ड्स हैं बैंडमैन क्या होता है बैंडमैन होता है बाजा ग्रुप बजाने वाला डिजीनेस होता है डिजी बोलता है डिजीनेस यानी कभी क्या हो रहा है एक सेंसेशन ऑफ uh, मतलब परेशान होना डिजीनेस ठीक है ये डिजीनेस है स्माइल मैंने मुस्कुराना स्टिंग मैंने थगा टग मैंने खींचना झटके से खींचना विंड में हवा लेट्स रीड इसे बोलो आई फील डिजी ऑन अ मैरीगो राउंड डिजी जब राउंड में बैठते हैं ना तो डिजीनेस होता है ठीक है फीलिंग ऑफ क्या होता है नोजिया हल्की सी डिजीनेस मतलब वॉमटिंग की सेंसेशन होती है ठीक है आई द बैंड वॉज प्लेइंग अ ट्यून बैंड रीडिंग इज फन अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करते हैं हु मेड सुंदरी बॉबी मेड सुंदरी उस बच्चे का नाम बॉबी है ना तो वाई डिट बॉबी कॉल हर हिस्काइट सुंदरी उसने अपने पतंग को सुंदरी क्यों कहा बिकॉज या बॉबी कॉल्ड हिस्काइट सुंदरी बिकॉज वॉज वेरी ब्यूटिफुल बहुत क्या थी वो सुंदर थी ना डिट सुंदरी फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट क्या सुंदरी बहुत तेज उड़ी रही नो सुंदरी डिड नॉट फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट वॉट मेड सुंदरी रियली हैप्पी सुंदरी को क्या अच्छा सा लगा खुश लगा तो सुंदरी मेड रियली हैप्पी सुंदरी वॉन्टेड दैट बॉबी लिप्ट तो उसे वो छोड़ दें और सुंदरी क्या कहाँ चले जाए आसमान में ऊपर उठ जाए देखो यहाँ पर है ये यहां से आप लिख सकते हो कि सुंदरी वॉन्टेड देखो सुंदरी इन लिफ्टअप उड़ गई थी आसमान में तो सुंदरी वॉन्टेड गो ऑफ हर स्ट्रिंग ओके नाउ नेक्स्ट है लेट्स टॉक डू यू लाइक टू फ्लाई काइट्स क्या आपको पतंग उड़ाना पसंद है यस और नो हु हेल्प्स यू टू फ्लाई काइट जब आप काइट उड़ाते हो तो आपकी कोई तो मदद करता होगा ना तो आपकी सिस्टर करती या मदर करती हो आपको लिखना है लेट ठीक तो इसमें कलर करना है टिक द ऑब्जेक्ट टू फ्लाई काइट कलर आपको काइट को कलर करना आप अपने पसंद से से कलर करेंगे और आपको काइट बनाने में क्या क्या चीज़ की जरूरत होती है सबसे पहले पेपर चाहिए ओके और बॉल बॉस बास्केट ये तो नहीं चाहिए पेपर के साथ आपको स्टिक चाहिए और ग्लू चाहिए पेयर्स ऑफ सीजर सीजर सी है ना पेयर्स ऑफ सीजर क्योंकि उसको काटने के लिए तो ये आपको लिखना है और ये बास्केट और बॉल नहीं आएगा इसमें ठीक है नेम द इसको फिर कलर कर सकते हैं अपनी पसंद से नेम द ऑब्जेक्ट इन योर ओन लैंग्वेज इसको इन चीज़ों को आप अपने ओन like, लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं आपको जो पसंद आया आप उसको लिखेंगे ओके तो यहाँ पे पिक्चर स्टोरी है एक गर्ल जा रही है काइट को वो अम्बरेला लेके क्योंकि रेन हो रही है उतने में क्या हुआ क्रो आया उसने क्या किया उसकी अम्ब्रेला ले लिया और उसके उसने इस पर किसको रखा है आपने छोटे छोटे बच्चों को रखा है ठीक है यहाँ पे हमारा ये चैप्टर क्या हुआ कंप्लीट हुआ आप यहाँ पे ये चीज कर सकते हैं देखिए ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छा है आप ये डॉटेड ट्रेस ट्रेस करेंगे जैसे आपको इससे क्या हो राइटिंग में हेल्प मिलेगी ये ये कैसी लाइन है ये नीचे वाली देखिए हॉरिजेंटल और ये वर्टिकल है फिर ऐसे इन दोनों को मिला के आपने क्या बना दिया एल बना दिया ठीक है और ऐसे अपोजिट अब आपको फिर ऐसे बनानी है तो ये आपको कंप्लीट करना है ये आपके प्रैक्टिस के लिए ठीक तो यहाँ पे हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ कैसा आप मुझे करिए साथ ही चैनल क्रिएशन माई चिल्ड्रन को सब्सक्राइब करिए ओके बाय